हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोगों ने अभी तक अपना जो जिन लोगों ने भी नीट 2023 एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा और उस हिसाब से आप कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे होंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था और किस रैंक पे मतलब कि मिला था कॉलेज, जिससे कि आपको एक मतलब पता चले कि आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या किस कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ये वीडियो जो होने वाला है ये छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो स्टेट कोट छत्तीसगढ़ के स्टेट कोटा 85% जो होता है उसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए ये वीडियो नहीं है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा 85% के लिए है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमेसाइल है। तो इस वीडियो में हम हर मतलब राउंड वन राउंड टू का ईच कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे, मार्क्स क्या था और किस लास्ट रैंक पे क्लोजिंग रैंक क्या था और उनको कि कौन सा कॉलेज मिला था, ठीक है। तो और इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डाल दे रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आपको देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, इसके बाद जो है अलॉटेड कैटेगरी है, ये सीजी डोमेसाइल में छत्तीसगढ़ डोमेसाइल है या नहीं, होगा तभी तो, हाँ होगा ही, मतलब कि तभी तो स्टेट कोटा में है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक क्या था, नीट में रैंक क्या था उनका, नीट का स्कोर क्या था और कौन सा कॉलेज मिला था। तो इस तरह से आप पीडीएफ पाउज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का जो था ये, हाँ यू आर अनरिजर्व होता है, एनसी का मतलब नन क्रीमी है, ठीक है। क्या है एनसी का मतलब? नन क्रीमी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का किस मार्क्स पे हुआ था, 532 मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। और रैंक क्या था आपका, 59,802 पे। वही फीमेल कैटेगरी का क्या था, 536 मार्क्स पे हुआ था एंड 57,814 था, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं ओबीसी के लिए क्या था, ओबीसी के लिए जो था आपका 531 मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। और एक जो रैंक था वो क्या था, 61,671 मार्क्स पे। और आप जानती होंगे कि छत्तीसगढ़ जो होता है वो वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाला स्टेट में से है। इससे जो कम कट ऑफ जाता है वो कुछ ही स्टेट का है, जैसे कि एक असम का जाता है और एक कोई स्टेट का जाता है, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश का जो है इसके रेंज में रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि EWS का कैटेगरी का किस मार्क्स पे हुआ था, 490 मार्क्स पे हो गया था, सोचिए 490 मार्क्स पे हो गया था, ठीक है। और रैंक क्या था, 91,503 पे। और जो कॉलेज था वो GMC कांकेर कॉलेज था, ठीक है, GMC कांकेर मिला था उनको। तो ये न्यू मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है URS, यहाँ पे S का मतलब क्या है, दिस S इज डिजिग्नेटेड फॉर आर्म्ड फोर्सेज, मतलब जिनके फादर या फैमिली मेंबर्स आर्म्ड फोर्सेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कैटेगरी है, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड आर्म्ड फोर्सेज में क्या है, मार्क्स क्या गया था आपका, 450 मार्क्स। और जो आपका कैटेगरी मतलब कि रैंक था वो क्या था, 1,26,087। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट बिसाहू दास महंत मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कोरबा, उनको अलॉट हुआ था, ठीक है। ये था आपका राउंड वन का। अब इसके बाद हम लोग राउंड टू का देखेंगे, उसके पहले ही राउंड वन का ही कुछ कैटेगरी बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये आपका राउंड वन का ही कुछ कैटेगरीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आप ये कैटेगरी रहा। तो SC कैटेगरी को आपको क्या मिला था, SC कैटेगरी में आपका था 422 मार्क्स पे हो था, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे रैंक क्या था, 1,53,849 पे मिला था, ठीक है। और वही कॉलेज क्या था, वही लेट बिसाहू दास महंत मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कोरबा। ST कैटेगरी के लिए क्या क्या मार्क्स था, 332 मार्क्स पे उनको मिला था एंड जो रैंक था वो क्या था, 2,68,319। और यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज का नाम। आप देख सकते हैं कि PH कैटेगरी का क्या किस कैटेगरी पे मतलब किस मार्क्स पे हुआ था, मतलब वही पर्सनली हैंड फिजिकली हैंडीकैप या पर्सनल विद डिसेबिलिटी फिजिकली चैलेंज्ड वाला जो कैटेगरी होता है, तो 169 मार्क्स पे हुआ था, 6,40,756 कैटेगरी पे हुआ था। यहाँ पे क्या है, कौन सा कॉलेज मिला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर, ठीक है। ये हुआ राउंड वन का कट ऑफ। अब हम देखने वाले हैं राउंड टू का कट ऑफ, ठीक है। तो राउंड टू का कट ऑफ हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका राउंड टू का कट ऑफ, ठीक है। ये देखिए राउंड टू का कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी जो है आपका क्या है, यू आर अनरिजर्व्ड फीमेल में क्या गया था आपका, 520 मार्क्स पे गया था लास्ट क्लोजिंग रैंक राउंड टू में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं राउंड टू में। एंड फिर जो है आपका जो उनका रैंक था 69,069 पे। वही अनरिजर्व्ड नन क्रीमी मतलब वही मेल बोल लीजिए या दोनों मिक्स बोल लीजिए, ठीक है। तो उनके क्या गया था, 513 मार्क्स पे गया था, 73,978 में गया था, ठीक है। और जनरल ओबीसी मतलब कि ओबीसी फीमेल कैटेगरी में क्या गया था, ओबीसी फीमेल में 513 मार्क्स पे कॉलेज गया था, ठीक
ठीक है। और वही आपका ओबीसी नन क्रीमी में क्या गया था आपका 508 पे गया था, 77,828 मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है 449 मार्क्स पे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कॉलेज मिल गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व्ड आर्म्ड फोर्सेज वाला है, मतलब वही जिनके फैमिली मेंबर्स आर्म्ड फोर्स से बिलोंग करते हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो मार्क्स गया था 431 पे ही उनको कॉलेज मिल गया था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एससी कैटेगरी पे आपको क्या किस रैंक पे मिला था, एससी कैटेगरी को आपको मिला था 399 मार्क्स पे, नन क्रीमी लेयर वही फीमेल का क्या था 420 मार्क्स पे था। एंड एसटी कैटेगरी पे क्या था, एसटी कैटेगरी पे आपका एसटी कैटेगरी का आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल का 319 गया था एंड नन क्रीमी लेयर का 314 गया था। कॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं लेट बिसाऊ दास महंत मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कोरबा उनको अलॉट हुआ था। ठीक है, एंड यही इसी के साथ ये राउंड टू का कट ऑफ छत्तीसगढ़ का यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको इस कट ऑफ लिस्ट का कैटेगरी वाइज का पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लीजिए। और हाँ, 2023 में छत्तीसगढ़ कट ऑफ क्या रहेगा, तो आप जैसे कि जानते हैं छत्तीसगढ़ वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ जाने वाला स्टेट है, और ऑल इंडिया में जैसे कि सीट आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका कट ऑफ बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कट ऑफ आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जो था लास्ट ईयर के तरह ही ट्रेंड मिलेगा, या तो कम हो सकता है, कम हो सकता है या तो यही रहेगा। तो ये इसके आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है 2023 में तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेट कोटा 85% से कॉलेज ले सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमसे पर्सनली बात करना है, तो पर्सनली कैसे कनेक्ट करें वो, तो उसका भी इंस्टाग्राम लिंक हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दे रहे हैं नीचे, तो वहाँ से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको, आपको जो भी प्रॉब्लम हो। और दूसरा, आपका जो भी मार्क्स है, जो भी कैटेगरी है, आप जो भी कॉलेज चाह रहे हैं तो उसको आप कमेंट में लिखिए अपना कैटेगरी मार्क्स और कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बारे में आपको हम आंसर कर देंगे। या आप नेक्स्ट किस स्टेट का या किस कॉलेज का कट ऑफ आपको चाहिए तो वो बताइए, हम उसके पे वीडियो लेते आएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।